अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरिश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। और मैंने ये देखे हैं, इसके अंदर 2 ऑनियन ऐड कर दिए हैं और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली ऐड कर दी है और 1 या 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। अब सिंपली इसको मैंने बॉयल कर लेना है, इसमें पानी ऐड करके सिंपली इसे मैं बॉयल कर लूँगी। जी वियर्स, देखें ये मटन हमारा बॉयल हो गया है। अब मैं आप वियर्स देखें, अब ये मटन हमारा बॉयल हो चुका है। आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। वियर्स, हम बहुत सिंपल तरीके से कढ़ाई बनाएंगे, मटन कढ़ाई, और ये कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इंशाल्लाह आपके घर में अवेलेबल होंगे। ये देखें, ये योगर्ट है तकरीबन 1.5 कप के करीब, ये मैंने ये दही ले लिया है। इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून, 1 kg मटन है तो ये 3 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है इसके साथ ही, तो कुछ गार्निशिंग के लिए, और ये जिंजर है इसमें कटा हुआ, सॉरी, और ये हरा धनिया है, और इसके साथ ही ये देख लें, ये सूखा धनिया है, और ये कढ़ाई मसाला है। आप चाहें तो पैकेट वाला यूज़ कर लें, यहाँ तो फिर बनवा लें। ये मैं मिक्स करके ये चीज़ें रखती हूँ, ये कढ़ाई मसाला है, ठीक है जी। वीएस, देखें ये खूबसूरत सी हमने अपनी कढ़ाई रख दी है फ्लेम के ऊपर। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, 1, 2 एंड 3। अभी थोड़ा सा वार्म अप हो जाए और इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दें। जी वियर्स, ऑयल हमारा हीट अप हो गया। अब इसमें ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ये मैं डाल दूँगी। एक मिनट के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं, क्योंकि ऑयल हमारा पहले से ही हीट अप था, तो ज़्यादा नहीं इसको कुक करना। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें माशाल्लाह, इसमें मटन ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी इस मटन पेस्ट के साथ, जो जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डाला था उसके साथ ही ये मैं मटन को 3 से 4 मिनट इसी तरह से फ्राई करूँगी। देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है कि मटन भी सोचे कि मुझे किसी ने भुना था तो क्या भुना था, है ना भाई। अच्छी तरह आपने भुनना, ज़बरदस्त, वाओ, माशाल्लाह। कढ़ाई तो बहुत ही तरीक़ों से बनती है, लेकिन ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे और टेस्टी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी। जी वियर्स, फ्लेम को आपने कर देना है कम, और इसके साथ ये थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वही जो आपको बताया मैंने, सूखा धनिया है और ये कढ़ाई मसाला है। ये मैंने खुद ही मिक्सिंग करके ये रखा हुआ होता है घर में, जिसमें ये लाल मिर्ची है, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और सूखी मेथी और थोड़ी सी इसमें खटास होती है, ये सब चीज़ें मैं मिक्स करके घर में रख लेती हूँ। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और फिर इसको 2 से 3 मिनट मैं इसको भूनूंगी इसके साथ, मसालों के साथ, माशाल्लाह। हाँ, इसमें ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड की हुई है, वो तो मेन है इस कढ़ाई की जान, ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का जो पाउडर होता है ना, वो मैंने इसमें इसी मसाले में ऐड किया हुआ है। आप भी ज़रूर कीजिएगा, माशाल्लाह, देखें, वाह। जी वियर्स, ये 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह इसे मैंने फ्राई कर लिया है मटन को मसालों के साथ, और इसके साथ ही देखें मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभानअल्लाह, वाह, इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या इसमें से इनके फ्लेवर इन्हेंस हो रहे हैं और क्या इसकी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। योगर्ट को मैंने अच्छी तरह से दही को बीट करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर दिया है, सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। वियर्स, मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, भून लिया है मटन को मैंने। जब आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देना, बिल्कुल कम कर देना है, चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है, और फिर आपने योगर्ट इसमें ऐड करना है, क्योंकि फिर दही फटने का ख़तरा होता है ना।
और फिर जब अच्छे से मिक्स कर लें और फिर फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लें। माशाल्लाह क्या ऐड कर, हरा धनिया ऐड कर दिया है ये देखें माशाल्लाह, और थोड़ा सा ये जिंजर ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने रखी है। ज़बरदस्त चढ़ाई हमारी डन है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारी रेडी है, सुभान अल्लाह। अब जब आप अपने घर में इसे पकाएंगे ना, दुआएं देंगे क्या मैंने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको ये बताया, और टेस्ट में भी ज़बरदस्त। आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की, तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।